हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस ऑपरेटर का यूज हम दो न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, पर अब हम माइनस ऑपरेटर की हेल्प से एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि माइनस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करेंगे और उससे एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करवाने का काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है और क्लास का नाम रख दिया है डिस्टेंस, क्लास स्पेस डिस्टेंस। वहां पे मैंने दो प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, इंट स्पेस फीट एंड इंट स्पेस इंचेस। उसके बाद पब्लिकली मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, डिस्टेंस ब्लैंक पैरेंथेसिस। उसके बाद इसके लिए मैंने फीट और इंचेस की वैल्यू को जीरो इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त अगर यूजर कोई भी वैल्यू पास नहीं करता तो फीट और इंचेस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो जीरो सेट हो जाएगी। और फिर मैंने एक डिस्टेंस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, पैरामीटर वाइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, इंट एफ कॉमा इंट आई। अगर यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त फीट और इंचेस की वैल्यू देता है तो एफ में रिसीव होगी फीट की वैल्यू और आई में इंचेस की, और वो एफ के थ्रू फीट को इनिशियलाइज हो जाएगी और आई के थ्रू इंचेस को इनिशियलाइज हो जाएगी। तो मैंने इसे क्लोज कर दिया है। फीट और इंचेस को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और मेंबर फंक्शन बनाया है, void space distance display distance और parenthesis। फिर मैंने curly braces में इसको cout message print कराया, f is equal to feet and i is equal to inches। अब मैं यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड के लिए, यानी कि माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए फंक्शन बनाऊंगी। इससे पहले अभी हम एक बार इसको स्किप करते हैं और मेन पर चलते हैं। मेन में मैंने डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, d1 एंड d2। d1 में मैंने फीट के लिए 11 और इंचेस के लिए 10 वैल्यू दी है, और d2 में मैंने फीट के लिए -5 और इंचेस के लिए 11 वैल्यू दी है, देन सेमीकॉलन। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव न्यूमेरिक को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम माइनस लगाते हैं और उस वेरिएबल यानी कि उस नंबर को लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव करना चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे d1 मैंने यहाँ लिखा है, देन सेमीकॉलन। ये कॉल होते ही ये ऑपरेटर ओवरलोड वाले फंक्शन की स्टेटमेंट्स पे जाएगा। डिस्टेंस क्लास का नाम, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है। ऑपरेटर कीवर्ड, जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं, माइनस, और पैरेंथेसिस जो है हमने खाली रखे, यानी हम इसमें कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस में फीट की वैल्यू को माइनस फीट कर दिया और इंचेस की वैल्यू को माइनस इंचेस कर दिया है, और रिटर्न करवा दिया हमने फीट और इंचेस, जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी है डिस्टेंस, क्योंकि हम क्लास डिस्टेंस का एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, पास करेंगे। अब हमने यहाँ देखा माइनस d1, तो d1 की वैल्यू के सामने फीट माइनस में हो जाएगा -11 और इंचेस जो है वो -10 हो जाएंगे। फिर हमने d1.displayDistance को कॉल कर लिया है, इससे फीट और इंचेस की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने d2 के लिए भी वही किया, -d2 फिर d2.displayDistance। इस तरह से d2 की जो वैल्यूज है, -5 जो है वो +5 हो जाएगी और 11 जो है वो -11 हो जाएगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे और F9 से कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद हम F10 से इसे रन करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर F इज इक्वल टू -11 और I इज इक्वल टू -10 d1 का, और d2 में F इज इक्वल टू 5 जो कि -5 थी वैल्यू, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और 11 जो था वो -11 हो गया। इस तरह से हम माइनस ऑपरेटर का यूज एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपने देखा कि हम जो माइनस ऑपरेटर दो न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के काम आता था, उसे हमने ओवरलोड किया और उसका काम अब हमने एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।